दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अजय यादव का ट्वीट सामने आया है। गुड़गांव सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करूंगा। कैप्टन अजय यादव ने इसी बीच एक बड़ा आरोप भी लगाया है। कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की साजिश की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए कैप्टन अजय यादव ने लिखा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। गुड़गांव सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर राज बब्बर को वरीयता दी गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करूंगा। साथ ही इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने बड़ा आरोप भी लगाया है। कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की साजिश की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, कैप्टन अजय यादव का ट्वीट सामने आया है। गुड़गांव सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर राज बब्बर को वरीयता दी गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करूंगा। वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की साजिश की जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है।